हेलो दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए जी, मैंने माल्ट पाउडर से ये बियर बनाया था। तो दोस्तों ये देखिए जी, 4 दिन में ही रेडी हो गया था। तो मैंने इसको कुछ और दिन पड़े रहने दिया था। तो ये देखिए जी, पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। इसका सभी गार ये देखिए नीचे बैठ चुका है, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो अभी दोस्तों इसको मैं बोटलिंग करने जा रहा हूँ, इसको मैं बोटलों में डालने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको इसकी रेसिपी अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी इसको बोटलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बोटलिंग करने के लिए जी देखिए हमेशा की तरह जो फिल्टर पाइप का ही उपयोग करने जा रहा हूँ, इससे बोटलिंग करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों मैंने सभी बोतलों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिए हूँ। तो इन बोतलों को कैसे सैनिटाइज किया जाता है, इस पर मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सभी बियर को बोटलिंग कर लिए हूँ। ये देखिए नीचे इसका जो ईस्ट बैठा हुआ है, इसका माल्ट वगैरह बैठा हुआ है, ये मैंने नीचे देखिए छोड़ दिए हूँ। तो दोस्तों अभी हम सभी बोतलों में 10-10 ग्राम जो ग्लूकोज डी डालेंगे और बाद में इसको कैप लगा देंगे। तो दोस्तों ये ग्लूकोज डी डालने से इसमें बहुत बढ़िया कार्बोनेशन हो जाएगा, यानी कि आप जब बियर को गिलास में डालोगे तो बहुत बढ़िया कार्बोनेशन होगा, यानी कि बहुत बढ़िया जाग बनेगा। तो दोस्तों आप चाहो तो ये ग्लूकोज डी भी डाल सकते हो, या फिर आप पिसा हुआ शुगर भी डाल सकते हो, जो आम चीनी होता है उसको भी पीस कर डाल सकते हो, या देसी खंड पीस कर भी डाल सकते हो, या फिर मिश्री को भी पीस कर डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों 10-10 ग्राम ये ग्लूकोज डी मैं सभी बोतलों में डाल देता हूँ। तो दोस्तों यह बोतलों के ऊपर कैप लगाने वाली मशीन है, ये अगर आपने ख़रीदना हो तो नीचे मैंने ईमेल दिए हूँ, उस पर ईमेल कर दीजिएगा, ये आपको सस्ता में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये कैप्स है, ये मैं बोतलों के ऊपर लगाऊंगा। दोस्तों अगर आप जो है कैप और यह मशीन नहीं ख़रीदना चाहते तो आप कोई भी एयर टाइट बोतल जो आपको मिल जाए उसमें भी डाल सकते हो, जैसे कांच की एयर टाइट बोतलें मिल जाती है मार्केट से, आप वो बोतलों का भी उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, इसके नीचे ये मैग्नेट लगा होता है, ये देखिए ये कैप इसके साथ चिपक जाता है, तो ये लगाने में आसानी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, कैप अच्छे से लग चुका है। कैप लगाने के बाद में ये बोतल को थोड़ा हिला देने का है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज डाला है वो अच्छी तरह से घुल जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने बोतल को उल्टा भी कर दिए हूँ, लेकिन ये देखिए ये लीक नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से ये कैप लग चुका है। तो चलिए सभी बोतलों के ऊपर ये कैप लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, सभी बोतलों के ऊपर मैंने कैप लगा दिए हूँ। और दोस्तों ये देखिए, पास में ही ये पाइनएप्पल की बियर भी ये पड़ी हुई है, कई बार ये बोतलें मिक्स हो जाती है, तो ये देखिए इसलिए मैंने ऊपर ये स्टिकर भी लगा दिए हैं, ताकि ये पहचान हो सके इन बोतलों की। तो दोस्तों अभी इन बोतलों को ऐसे ही 15 दिन के लिए छोड़ देने का है। 15 दिन तक दोस्तों इनमें बहुत बढ़िया कार्बोनेशन हो जाएगा, तो ये 15 दिन बाद में बहुत बढ़िया इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो फिर 15 दिन बाद दोस्तों मैं आपको यह पीकर इसका टेस्ट भी बताऊंगा कि ये हमारा बियर कैसा बना है। वैसे मैंने अभी इसका थोड़ा टेस्ट किया था, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट आया है। तो 15 डेज बाद इसका और भी बढ़िया टेस्ट हो जाएगा और बहुत बढ़िया इसमें कार्बोनेशन हो जाएगा। तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा कि इसमें कितना जाग बन रहा है, कितना बढ़िया कार्बोनेशन हो रहा है।
तो चलिए दोस्तों अभी इनको ऐसे ही छोड़ देने का है। धन्यवाद दोस्तों।